मेन मांग तो हमारी गन्ना मूल्य को लेकर, हमने 9 तारीख को ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री, गन्ना मंत्री, डीएम और गन्ना समिति और मिल को कि अगर 20 तारीख तक गन्ना मूल्य तय नहीं किया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, हम कल से धरने में बैठे। हमारी मेन मांग है कि गन्ना मूल्य जल्द से जल्द घोषित हो, आपका एसएमपी मूल्य सरकार पहले घोषित कर दो, और ऐसा क्या गन्ना ही गन्ने का मूल्य घोषित करती सरकार, तो इसी विरोध में हम बैठे। हमें गन्ने का मूल्य चाहिए 400 रुपए क्विंटल, एक मेन मांग हमारी। यहाँ दूसरी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी बिजली की कि हम 3 महीने बिजली फ्री बिल फ्री रहेगा, लेकिन हर महीने बिल आ रहा, कोई बात की वगैरह हमारे पास कोई शासन आदेश नहीं है, तो ये सरकार किसान के लिए धोखा कर रही है, हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन इसलिए हमने किया। भारतीय किसान संघ ने 19 तारीख में ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री, गन्ना मंत्री को, सबको। हमारी मांग है कि गन्ने का रेट 400 रुपए की रहेगा, भी पर्ची पर 0-0 दे रहे हैं, कोई रेट नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, आपदा में सारे मंत्री गली गली फिरे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा भाई 3 महीने का बिल माफ किया, कि भी कोई हमें गन्ना इसमें गए, हमें बिजली घर में कोई जियो नहीं आया, वहाँ कोई नहीं आया। एक भी बार हमने किसानों के मोजा नहीं दिया सही तरीके से, शासन प्रशासन ने अपने पैसे बना लिए। इसकी बार भाजपा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 0 मिला कि कोई किसान इतना आग्रह, इतना किसान परेशान है कि इसकी बार इनका 0 रहेगा यहाँ जी।